प्रकार की चीजें हुई, उसके क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, लैंडस्लाइड तो और भी प्रांतों में हुए हैं, हिमाचल में, उत्तरांचल में, यूपी में, और वायनाड में जो हुआ लैंडस्लाइड है और जो बादल फटे हैं वहाँ जनहानि बहुत हुई है, और केरल में 2018 से लगातार जनहानि हो रही है और बादल फट रहे हैं, कभी मलप्पुरम, कभी वायनाड, कभी त्रिवेंद्रम, कभी किसी जिले में। उसका कारण ये है कि वहाँ, जैसे हमारे विवाद में मैं कहता था कि वहाँ गौ कृषि बहुत होती है, गाय का मांस खाते हैं, भारत का गौवंश पूजनीय है, भारत का गौ माता वंदनीय है, और वहाँ गाय को काट करके खाते हैं, गाय का खून असमय रूप से धरती पर गिरता है या उसका मांस खाते हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होंगी। हमारी सहानुभूति है राष्ट्रीय संसद संघ के लोग, जो जिनको श्रीमान राहुल गांधी आए दिन गालियां देते हैं, राहुल गांधी जी गालियां देते हैं, लेकिन आपसे लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, मरने वालों से हमारी सहानुभूति। लेकिन मलप्पुरम जिले में एक बार हथनी को, गर्भवती हथनी को, बेचारी को नारियल में बम रख करके खिला दिया गया, उसका मुंह फट गया, तरह तरह के पानी में गई, लेकिन उसका अंत हुआ, बच्चे का भी अंत हुआ। ऐसी जो अत्याचार केरल में होता है, केरल में वामपंथी सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, वहाँ गोकशी पर प्रतिबंध नहीं है, सरेआम बीफ खाया जाता है, गोकशी होती है, इसलिए ये जो नुकसान हुआ है, लगभग 400 लोगों की तो शव लाशें मिल गई हैं, 500-700 लोग और घायल हैं या मरने की स्थिति में है। तो वायनाड में जो हुआ है ये बड़ा कारण गोकशी के कारण हुआ और हथियों पर अत्याचार कारण हुआ, जीवों पर अत्याचार कारण हुआ। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके गोकशी पर प्रतिबंध लगाएं और वायनाड और त्रिवेंद्रम और अपने सब जिलों को, मलप्पुरम सब जिलों में ऐसी घटनाओं से बचाएं, नहीं तो इससे भी खतरनाक घटना हो सकती है। मेरे पास एक फोटो है, आपको समय कम है, वहाँ पर